हो गया चलो तो बाकी तक आज भी हमारे गांव के बच्चों ने ब्लॉग स्टार्ट कर ही दिया है फिर और बाकी मौसम का अपडेट दे ही दिया, धूप आ रही बादल नहीं लग रखे करके। तो चलिए फिर मैं भी आज को ब्लॉग स्टार्ट कर ही देता हूँ। तो ओहो दगड़ियो गुड मॉर्निंग, पहला कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दगड़ियो एक नई दिन की नई शुरुआत के साथ हम सभी बच्चों ने आज को ब्लॉग भी स्टार्ट कर ही दिया है और बाकी आज चाची ये घर में लग रखे काम। जाओ बचाओ जल्दी जाओ, बस एक ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए यहाँ मैंने इंट्रो करने के लिए बुला रखा था। बाकी आज ना चाची और का काम लग रखा है, वहां पर चाचू को देखो। और यहाँ पर अम्मा का चल रहा है ब्रेकफास्ट, ये देखो ब्रेकफास्ट में एक गिलास दूध और रोटी। तो अम्मा का यहाँ पर भी फिलहाल ब्रेकफास्ट चल रहा है। फिर और बाकी ना मम्मी गई है घास काटने के लिए और वैसली गई है ट्यूशन। तो परसों वैसली बता रही थी ना फ्राइडे सैटरडे संडे को वैसली का ट्यूशन है, बाकी मंडे टू थर्सडे वैसली की छुट्टी है। तो आज संडे है तो वैसली संडे के दिन भी ट्यूशन गई है और बाकी पापा घर में ही है, पापा नीचे फ्रेश हो रहे हैं। अभी फिलहाल दगड़ी है मैं भी ब्रेकफास्ट कर ही लेता हूँ फिर और बाकी दिखाओ मेरे ब्रेकफास्ट में क्या है करके और मैं किस चीज़ में खा रहा हूँ किस बर्तन में। तो यहाँ आप देख सकते हो ये मैं खा रहा हूँ कढ़ाई में, बाकी ना भिंडी की सब्जी मेरे लिए बचा कर रख रखी थी, कल शाम को बना रखी थी, तो मेरी भिंडी ना फेवरेट है तो इसलिए थोड़ी सब्जी मेरे लिए बच रखी है और बाकी साथ में दही भी है। और कढ़ाई में खा रहा हूँ दगड़ियों में, क्योंकि ना कढ़ाई में खाने का ही मज़ा कुछ अलग है। तो चलिए फिर पहले अब मैं खाना खा लेता हूँ। ये तो जो परसों हम सामान लाए थे ना दगड़ियों, तो ये सामान कुछ इतना है फिर ये और बाकी है पाइप है और बाकी ना आज हमारे पूरे घर में हो रही है वायरिंग। तो ना दो चाचा आ रहे हैं, एक मेरे हटौला के चाचा है और एक तो हमारी ही के चाचा है, तो आज वो वायरिंग कर रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ दगड़ियों लिगुड़ता सामान लेने के लिए। तो हमारे ना दो पंखे आ रहे हैं अल्मोड़ा से, हमने मंगा रखे थे गाड़ी वाले भैया से, तो वो ला चुके लिगुड़ता, तो दो पंखे हैं तो उसे लेने जा रहा हूँ मैं। और नीचे आप वहाँ खेत में भी देख सकते हो, वहाँ ना बिन की गुड़ाई चल रही है। वो ऐसे खेत को जोतने के दिन शुरू हो चुके हैं, तो आप कुछ दिन बैलों को भी काफ़ी कष्ट होगा और लोगों को तो होता ही है, और बाकी कुछ टाइम बाद अब रोपाई भी शुरू हो जाएगी। तो रोपाई के टाइम में भी ना काफ़ी अच्छा लगता है रोपाई करने में और सारे गांव वाले खेतों में होते हैं, मतलब ये कष्ट तो होता ही है कि मतलब ना दिन भर इतनी गर्मी में वहाँ पानी खावन का दगड़ियों ने बहुत कष्ट हो, लेकिन अच्छा भी लगता है ना। तो कष्ट को ना एक कष्ट की तरह ना लो तो वो काफ़ी अच्छा लगता है ना। अगर फिर कष्ट करते हैं हम, हाँ करना है इस टाइप से नहीं ना, करना है तो खुशी खुशी करने में एक अलग ही मज़ा आता है। तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा मैं रोपाई के टाइम में भी, ब्लॉग में ज़रूर शूट करूंगा, तो उस टाइम में आप देखना कैसा माहौल रहता है। बाकी ब्लॉग तो मैं हर रोज़ शूट करता ही हूँ। और जो कुछ भी होना लगड़ी हो, पहाड़ों की लाइफ ना एक मतलब अलग ही मज़ा आता है पहाड़ों की लाइफ स्टाइल में ना, मतलब बाहर से तो काफ़ी मतलब अच्छा ही है, भले यहाँ कष्ट बहुत है ना, लेकिन जो सुकून है ना दगड़ियों वो अपने पहाड़ में ही है, अपने घर में ही है। मतलब बाहर तो क्या है, बाहर ना लोग जॉब के लिए जाते हैं, अपने बच्चों को लिए पढ़ाने के लिए जाते हैं, मतलब बाहर ना लोग ना मजबूरी से रहते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है नौकरी करनी है, क्योंकि पहाड़ में मतलब नौकरी उतनी नहीं है जितनी बाहर है ना। बाहर तो काफ़ी फील्ड में नौकरियाँ भी मिल जाती है लेकिन पहाड़ में नहीं है। लेकिन यह है कि जिसको पहाड़ में जिसको सुख सुविधा मिली है तो उसके लिए तो अच्छा ही है ना। जैसे ऐल दगड़ी मत छो मैं घर वाल मौका पाओ नहीं ताओ नहीं ने, अब कुछ टाइम बाद वो बात लग चुकी, लात मार के बिहार निकाल दिया, चल चला तुला नौकरी कर ले कभी ने, लेकिन जब तक घर में हूँ मैं अपने ना तब तक मेरे को सारी सुख सुविधा प्राप्त हो रही है। तो अभी मेरे लिए मज़े हैं, अभी काफ़ी मज़े हैं मेरे लिए। और लेकिन ये है कि वो मज़े ना लाइफ टाइम के लिए नहीं होते हैं, एक टाइम ऐसा आता है जब खुद मेहनत करनी पड़ती है। बाकी वो आ रहा है मेरा टाइम अब धीरे धीरे करने का, मेरा मेहनत करने का टाइम आ रहा है, निकट है वो ना, फिर आफत आएगी मेरी भी। लेकिन अभी अभी ये सुख सुविधा मेरे घर वाले प्राप्त मतलब दे रहे हैं मेरे को, प्रदान कर रहे हैं, तो तब तक थोड़े मज़े कर लेता हूँ मैं अभी। तो चल पहला को पहला बढ़िया चाचा।
अभी ना फिलहाल लगड़ियों मैं यहाँ आ गया हूँ आम के पेड़ के नीचे, तो ना गर्मी बहुत ही ज्यादा लग रही है। और बाकी जो मैं सामान लाया हूँ ना, तो ये मेरा सामान ये रहा, कुछ है इतना सामान है मेरे पास घर को ले जाने के लिए। बाकी मैंने अभी ना एक थम्सअप की बोतल भी ली थी दुकान से, तो इतनी कर दी है, आधी आधी से भी आधी खत्म होने वाली भी थोड़ी देर में। और बाकी ये है दगड़ियों, ये है टेबल फ़ैन, और बाकी ये है छत वाला फ़ैन। तो ना दो पंखे लाने थे मेरे को, तो ये सामान कुछ इतना मंगा रखा था हमने अल्मोड़ा से, तो आ चुका है। और बाकी ना भारी हो रखा है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, और मैं ले जाने वाला अकेला ही हूँ। बाकी ना वैशाली भी आते लेकिन वो ट्यूशन गई है, तो इस वजह से मेरे को अकेला ही आना पड़ा। बाकी पापा ना घर में काम कर ही रहे हैं, वो भी अम्मा भी कर ही रही है, मम्मी तो घास के लिए गई है, तो सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो रखे हैं आज। और बाकी अब ना काम के दिन शुरू हो चुके हैं, तो सारे गांव के लोग व्यस्त है। देखो आधे लोग तो अभी फिलहाल यहाँ खेतों में ही आ रखे काम करने के लिए, और बाकी हमारे बगल में चाचा लोगों का भी काम चल ही रहा है, उनके जंगले वहाँ ऊपर डल रहे ना, तो आज वहाँ फर्श डालना है, और पता नहीं और बहुत सारे काम हमारे गाँव में चल ही रहे हैं। सबके अपने अपने काम है, सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो रखे हैं। तो अभी ना गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो अभी थोड़ी देर यहाँ आम के पेड़ के नीचे आ रखा हूँ। हल्की फुल्की ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मेरे पास थम्सअप की बोतल, अब मैं इसको ना ख़त्म करके जाऊँगा घर को, इतनी सी और बच रखी है, काफ़ी गर्मी लग रही है। और बाकी ना यहाँ से देखो हमारा गाँव कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये देखो छोटा सा गाँव हमारा, और ये गाँव के हमारे सीढ़ी नुमा खेत। अब कुछ टाइम बाद रोपाई के बाद ना सारे खेत हरे भरे हो जाएंगे, अभी तो आपको हरियाली उतनी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब रोपाई लग जाएगी ना, तो ये खेतों की सुंदरता और बढ़ जाएगी। तो अभी तो फिलहाल ऐसे दिख रहे हैं, कुछ टाइम बाद दिखाऊंगा फिर आपको, काफ़ी प्यारे दिखेंगे। और जंगल भी अभी जंगलों में भी नए, जो आप पहाड़ देख रहे हो यहाँ पर ऊपर भी साइड को जल रखे ना, तो बाद में फिर असौच के टाइम में ना बहुत बड़ी बड़ी घास हो जाती है हरी भरी, तो ये जंगल सारे हरे भरे हो जाएंगे, चारों ओर हरियाली छा जाएगी। तो पहाड़ों में ना एक अलग ही सुकून है रहने का, तो वो सुकून ना वही जान सकता है जो पहाड़ में रहता है, बाकी उसी सुकून का वो आनंद उठा सकता है। बाकी ना कष्ट तो पहाड़ में है ही यार, बहुत ज़्यादा कष्ट है, लेकिन यही है ना, कष्ट को कष्ट की तरह लेना नहीं हुआ, खुशी खुशी काम करना हुआ। चौगाल अभी फिलहाल लग रही है, मैं पहुंच चुका हूँ घर, और बाकी हमारे यहाँ कार्य प्रगति में है। देखो फिटिंग चल रही है यहाँ पर, और बुबू भी यहाँ देखो काम देखने के लिए आ रखे हैं। सही नहीं है, नहीं है, कैसा काम कर रहे हैं बताओ ये? अरे काम सब वहाँ ऊपर दिया, इतना बड़ा छेद मार दिया है, छेद मार दिया ऊपर से, वहाँ बारिश में वहाँ नीचे आ गए। अब इनको हटा दे फिर तुम लग जाओ आप। इनकी छुट्टी कर दे, तुम लग जाओ फिर, उठाओ भी तुम हथौड़ा हथौड़ा आप, तुम लग जाओ। यहाँ का रास्ता यहाँ से नीचे से खुलने वाला है, ये यहाँ से खुलेगा ना ये। यहाँ यह बहुत काल का भाव है भैया, इसको या या नहीं है काल का भाव, हटाओ यहाँ से, सब हटा दे आप। न मारन आओ बैठो। और बाकी ना यहाँ बगल में भी काम चल ही रहा है चाचा लोगों का ना, यहाँ पर जंगले लगा रखे थे, तो यहाँ पर फर्श डल रहा है, और बुबू यहाँ पर भी काम देख रहे हैं, दोनों जगह का काम देख रहे हैं आज। बुबू काम ठीक, यहाँ काम ठीक उन्होंने, यहाँ येलो उसे उन्होंने ठीक कहने होने के, अच्छा काम नहीं करेगा इनको हटा देना, फिर कौन लगेगा तुम? मैं लगूंगा। तुम्हें मजाक उड़े दिन यार बुबू, यो तुम जो सोचनी की उन्हें ना तुम्हें गए, बैठो जरा, मैं पानीगा पकड़ा जाऊं मैं, ओ भाई हां पकड़ा जाऊं मैं, और तुमन का पकड़ लूं नहीं, मैं का पकड़ लूं नहीं होय। तो नहा धो के दगड़ियों मैं हो चुका हूं फिर रेडी, और बाकी टी शर्ट तो मैंने चेंज कर ली, और थोड़ी सी ना दाढ़ी बना रखी मैंने आज ये। और अभी फिलहाल मैं आ रखा हूँ ताऊजी के घर में, यहाँ पर ये देखो पुष्पराज के घर में, यानी कि क्योंकि आज ना पुष्पराज के मेरे को बाल काटने हैं, तभी मैं नहा के आया था जस्ट, तो ताऊजी का फोन आ गया कि बाल काटने करके, तो अभी फिलहाल अब मैं ताऊजी के बाल काटता हूँ फिर पहले। यो नहीं ताऊजी ने बाव दगड़ी तार देखो खाज हो नहीं इतार हरी हो, उसी ताऊजी ने खार में बाव कमसन हो, कमसन जब कनपट्टियों बहुत आ रही नहीं हो, तो आज इनका जरा छुटे दिन नहीं, फिर लगा पुष्पराज एकदम खतरनाक आदमी, फिर कस खोला भाव कटे वादा तोड़ देने एक है टोर नोड़ है सीधे शिकन बैठी हाँ ओ इसी क्यों ठीक।
ये तो फाइनली दगड़ियों काट दिए फिर मैंने पुष्पराज के बाल, और बाकी आपको मैं सारी मतलब हर जगह से दिखाता हूँ आपको कि मतलब कैसे काट रखे। आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से इन फ्यूचर दगड़ियों, क्या मैं एक बार बार बन सकता हूँ अच्छा वाला? ठीक है, तो बताना अगर अब नौकरी तो है नहीं दगड़ियों आजकल कोई सी भी, मैं सोच रहा कि एक बार बार ही बन जाता हूँ मैं ना, तो मैं बार बार बनने के लायक तो हूँ मेरे को लग रहा है ऐसा। और अभी ताऊ जी शीशे में देख के बताएंगे, अपने आपको देखेंगे पुष्पराज मैं कैसा लग रहा हूँ करके, अगर अच्छा लगूंगा, अगर अच्छे लगेंगे पुष्पराज तो मतलब मैं बन सकता हूँ एक बार बार। फिलहाल दगड़ियों अब हमारा हो गया फिर लंच टाइम, और बाकी ना आज का लंच मेरा ताऊ जी के वहीं पर है, तो ताई जी ने मेरे लिए खाना ही बना रखा है, लेकिन मम्मी ने भी मेरे लिए घर में बना रखा है, तो ताई जी बोल रही है खा के जा, मैंने बना रखा है करके, तो चलिए फिर यहीं मैं खाना खा लेता हूँ। और बाकी ना लंच में बना है, ये देख सकते हो आप लंच में है चावल मिक्स दाल, और सलाद में दगड़ियों खीरे, और बाकी दगड़ियों ये देख सकते हो आप कचार, सॉरी अचार, ठीक है, तो साथ में अचार भी है। तो चलिए फिर पहले अब हम लंच कर लेते हैं। बाकी दगड़ियों यहाँ पर ना ताऊ जी दही भी लेकर आ चुके हैं चावल के साथ में, ये तो ताऊ जी बाल कैसे काटने हैं बताओ आज हम। बहुत बढ़िया, देख के आ गए होंगे आप। हाँ शीशे सही लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं? मुझे आज 40 साल पहले की याद आ गई यार। अच्छा कैसे कैसे? मैं जब 82 में आर्मी ज्वाइन किया था, हाँ, तो हमारे बाल ऐसे बन गए थे। अच्छा अच्छा, तो 28 साल तो आर्मी नौकरी की, हाँ, उसी 12 साल घर आगे हो गए, हाँ, तो 40 साल पुरानी याद आई। अच्छा जब आप आर्मी में थे, हाँ, तो तब ऐसी बाल थे ना 40 साल। अच्छा तो आर्मी कट मार रखा है मैंने, हाँ, ताऊ जी का आज, हाँ, ये देखो ना, तो ताऊ जी को दगड़ियों हमने फौजी की, जब ताऊ जी फौजी थे, अभी तो फिलहाल रिटायर हो गए। अच्छा मैंने शायद आपको ये बात बताई नहीं बताई है आज तक, ताऊ जी मेरे ना आर्मी रिटायर है, 28 साल ताऊ जी ने सर्विस कर रखी है, और 12 साल रिटायर हुए हो गए ताऊ जी को। तो खाना वाना भी खा लिया दगड़ियों, और बाकी ताऊ जी के साथ मैं बैठ रखा हूँ यहाँ पर, और दिन के बज चुके हैं करेक्ट, आप देख सकते हो 2 बज चुके हैं फिलहाल। फिलहाल दगड़ियों मैं जा रहा हूँ फिर घर को, और बाकी ना अभी दिन के टाइम में ना बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है, और धूप इतनी तगड़ी आ रही है ना, तो अभी 2 ही बज चुके हैं, तो अब थोड़ी देर ना घर जाकर रेस्ट करता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खा रखा है, और अब शाम के टाइम में ना जब थोड़ी बहुत धूप चली आएगी फिर ब्लॉग को कंटिन्यू रखूंगा, तो फिलहाल अब रेस्ट करता हूँ घर जाके, तो तब तक के लिए बाय। तो अभी फिलहाल दगड़ियों बज गए शाम के 6, और बाकी ना धूप भी चली गई है, आज का ना धूप थोड़ा लेट में जा रही है, और लेट में अंधेरा भी हो रहा है गर्मी के टाइम में। और बाकी अभी फिलहाल मम्मी और मैं आज छत मार के थे, फिर ये मम्मी जरा देखने आई थी कमरे की फिटिंग कैसे कर रखी है वहाँ, मतलब जो भी है वायरिंग कर रखी है, कस कर रहे हैं मम्मी? अच्छा हाँ सफाई भी कर रही है, साथ में वायरिंग भी देख रही थी अभी तक, तो कस कर रहे हैं ठेका कर रहे हैं। और बाकी यहाँ बाहर बैठ कर दगड़ी वैशाली चावल खा रही है, लंच नहीं कर रहा चाहिए दिन में ना। अरे नगर रहो चाहिए। अच्छा हाँ वैशाली ना ट्यूशन गई थी, हाँ छुट्टी थी कि ना, ना ट्यूशन थी, हाँ ट्यूशन थी, आज संडे, हाँ तो आज वैशाली ट्यूशन गई थी, और बाकी 1 बजे आती वैशाली ट्यूशन से, तो 1 बजे आकर ना सो जाती, इसको थकान काफ़ी ज़्यादा लगती है ना, तो इस वजह से ये लंच ना शाम को ही कर रही है आज के लिए, जब भी ट्यूशन जा रही है दिन में 1 बजे आ रही है सो जा रही है फिर शाम को खा रही है, ये तर खाप तड़ दे रही हो उछू लगा है को छोड़ दू और बाकी ना दगड़ियों मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, दिखाऊं बहुत प्यारी चीज है ये, आहा म्याऊ। तो ना बिल्ली के बच्चे हो रखे थे कुछ टाइम पहले, उस टाइम पे तो मैंने नहीं दिखाया था क्योंकि इनकी ना आंखें भी नहीं खुली थी, लेकिन अब ना ये चन्ने भी लग चुके हैं, ये देखो और कितने प्यारे प्यारे ना छोटे छोटे, और देखो 3 है आजा म्याऊ म्याऊ मेरे पास आ जा रहे, अरे अले अले ओ देखो 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 अरे ये कितने प्यारे हैं, आजा आजा होई 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 आजे 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 ओए तीनों के तीनों आ गए। अभी फिलहाल दगड़ियों बाहर हो चुका है अंधेरा, और बाकी ना यहाँ पर मम्मी बना रही है रोटियाँ और सब्जी, यहाँ पर गैस पर रख रखी है बनाने के लिए, चने की सब्जी बनती है आज हमारे घर में, तो अभी मम्मी यहाँ रोटियाँ बना रही है। और बाकी ना आज हमारी जो वायरिंग हुई है ना, तो बस 3 मंजिल वाले कमरे में अच्छे से हो गई, बाकी अभी नीचे 2 कमरे में और यहाँ जितना भी कुछ है अभी जितना कुछ भी बच रहा है वो कल होगा, बस 3 मंजिल वाले में आज अच्छे से हो गई है, पंखा भी लगा दिया है।